जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल समेत 3 अफसर शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग जिले में कोकेर नाग इलाके में ये इनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों के अधिकारियों के अनुसार कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट गोलीबारी में शहीद हो गए। अनंतनाग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत पर पूरा देश गमगीन है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ा सदमा है। पहले तो मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा सदमा है इस खानदान को और हमारे मुल्क को। आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए हैं, एक मेजर साहब शहीद हो गए हैं और ये जवान DSP ये भी शहीद हो गए हैं। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता। वहीं अनंतनाग मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर BJP नेता और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि हमें सोचना होगा, क्योंकि जब तक हम पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे वे यही सोचेंगे कि ये सामान्य बात है। अगर हमें उन्हें दबाव में लाना है तो हमें उन्हें अलग थलग करना होगा। उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि जब तक आप खुद सामान्य नहीं हो जाते तब तक कोई भी सामान्य रिश्ता कायम नहीं रह सकता। उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एनकाउंटर को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। RJD नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी वो विजुअल्स हम देख रहे थे, हम जश्न का विजुअल्स देख रहे थे। BJP हेडक्वार्टर से लाल गुलाब का जश्न मनाया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इट कुड हैव वेटेड, अब एक दिन इंतजार कर लेते, दो दिन इंतजार कर लेते, वो दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है। पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहां तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा था। तो इसलिए ये सोशल मीडिया क्रिकेट विकेट मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जस्ट मना रहे थे जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अनंतनाग एनकाउंटर में जवानों की शहादत को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। क्या हमारे देश की सरकार को, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनके परिवारों की, उनसे जुड़े हुए लोगों की चिंता नहीं होती? क्या इतना भी वक्त आपको नहीं मिला सोचने का, विचार करने का कि अरे ये जुलूस 3 दिन के लिए स्थगित कर दें, 2 दिन के लिए स्थगित कर दें? मैं मोदी सरकार से ये मांग करता हूं कि उन परिवारों को का ध्यान रखिए और जो अधिकतम उनकी आप मदद कर सकते हैं आर्थिक रूप से, नौकरी देके, जमीन देके, जिस तरीके से भी उन परिवारों की आप मदद कर सकते हैं, मदद के लिए आगे आइए। उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी में 13 सितंबर को मुठभेड़ के दौरान एक और आतंकवादी को मार गिराया गया। राजौरी में 3 दिन से जारी अभियान के दौरान मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। वहीं गोलीबारी में सेना का एक जवान और सेना की श्वान इकाई के 6 वर्षीय मादा लेब्राडोर केंट भी शहीद हो गई, जबकि 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।